राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी सेक्युलर के द्वारा लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी सेक्युलर के अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया, हमारी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने जो बजट पेश किया है वह महज जुमले हैं। उन्होंने बताया, हमारी सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, गुंडागर्दी जड़ से खत्म करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना हमारा मुख्य मुद्दा होगा। वार्ता करिए, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता करिए? सरकार काम नहीं कर रही है, दूसरी सरकार बनवाई आप लोग तो कुछ काम करे। मुद्दा घर घर की कहानी है, बेरोजगारी है, कभी अनामत हो जाता है, नौकरी नहीं है, अनामत करते रहते हैं। बोले 10% सबर को नौकरी में छटनी हो रही है, 2% 3% अभी 7% बेकारी बढ़ गई, तो अनामत कहाँ से होगा? जब खाने पीने की चीज़ें 3-4 गुना हो गया 5 वर्ष में, पेट्रोल डीजल की रसीद सबके 2-3 गुना रेट बढ़ गए, बस में 40-45 किलोमीटर था 80 पैसा किलोमीटर हो गया, रेलवे का भाड़ा बढ़ गया, लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। क्या आमदनी किसकी बढ़ रही है बताइए, किसकी आमदनी बढ़ रही है? कितना जो वेजन रोज था 180 था, वही 180 रुपया, तो 500 तो नहीं हो गया ना, ये तो 4 गुना बढ़ गया। तो क्या आप सरकार में भागीदारी बनाना चाहते हैं क्यों इसी मुद्दे पे लेके? नहीं, सरकार में हम क्यों, वो मेरे में भागीदारी बनाएगा ना, हम तो अपने अकेले जीत के 273 बनाएंगे सरकार, हमको भागीदारी क्या जाए। ऐसे क्या लगता है कि आप ऐन वक्त पे चुनाव के ऐन वक्त पे आ पाए? आपकी पार्टी कब रजिस्टर्ड हुई? नहीं, 10 साल से रजिस्टर्ड है पार्टी, और यहाँ भी अब आते ही है, करते हैं, लोगों का काम भी करिए, अन्य मौका क्या होता है, चुनाव होगा तभी करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई सीट जीतेगा, अभी चुनाव आया जीतेंगे। अभी तक जनता के हित में आपने क्या किया है? जनता के हित में जो जनता की प्रॉब्लम है सुनते हैं, करते हैं, सरकार से लड़ते। अभी लेटेस्ट मुद्दे पे किन किन मुद्दों पे आपने सरकार से लड़ी, लड़ाई की? अपने डीजल के पेट्रोल के लिए हर स्टेट में लगा रहे हैं, भाड़े लगा रहे हैं, रेल भाड़े में सभी अपने हर स्टेट में आंदोलन किया।